तो हमारा जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो सबसे पहले देखो देखो बेटा, प्लांट में ये जो यूनिट है हमारा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, इस ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के यूनिट में फाइव लेसन हमारा दिया होगा। और उन फाइव लेसन में कौन से लेसन में क्या क्या हम देखें हम लोगों को डील करना है वो सारी बातें पहले एक बार देख लेते हैं। देखो अगर हम लोग एक प्लांट के डायग्राम को बनाए, कोई किसी भी तरह बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। तो अगर देखिए यह एक अगर प्लांट है, हमें कुछ बातें यहाँ पर समझानी है, इस वजह से यहाँ पर ये एक लीफ दिखा करके मतलब समझो कि क्या एक प्लांट है। और इस प्लांट के टॉपिक में यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आपके ये लेशन इस यूनिट में कौन कौन से लेशन का क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल है, जिसका हमें इस चैप्टर में या इन सभी चैप्टर में हमें डील करना है। प्लांट को सबसे पहले अगर आप सॉइल में डालते हैं, फिजियोलॉजी का मतलब हुआ बॉडी के इंटरनल पार्ट में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल एक्शन हो रहे हैं। जैसे आप अपने जाकर देखो कि हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से हैं। हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, वो हमारा फिजियोलॉजी है। दूसरा चीज देखो कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ बचे हुए पार्ट का एलिमिनेशन होता है या कुछ अनडाइजेस्टेड या टॉक्सिक सब्सटेंस का एलिमिनेशन होता है, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो वो भी हमारा फिजियोलॉजी है। जो हम डाइट लेते हैं वो डाइट हमारे बॉडी के थ्रू आउट ऑफ बॉडी सर्कुलेट होता है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हार्ट वगैरह का जो ब्लड का हम पंपिंग देखते हैं तो वो भी हमारा फिजियोलॉजी है। उसी तरह प्लांट में अपने बॉडी के इंटरनल सर्वाइवल इफेक्ट को बनाए रखने के लिए वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसी फंक्शन को प्लांट के उसी रोल को हम लोग देखते हैं, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखो जब हम एक सॉइल में किसी प्लांट को लगाते हैं या सीड डालते हैं तो उससे प्लांट बन के आता है, यही तो प्रोसेस है। ठीक, तो वो सबसे पहले देखो कि प्लांट जो है यहाँ पर जो रूट आया है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड साथ ही साथ कुछ सॉल्यूट मटेरियल को। यानी अभी मिनरल न्यूट्रिशन में आपने एसेंशियल एलिमेंट देखा, 17 एसेंशियल एलिमेंट आप लोग आए, तो वो जो एलिमेंट है वो प्लांट कहाँ से लेता है, वो एलिमेंट प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है विद द वाटर, यानी वाटर को सॉल्यूशन के फॉर्म में लेता है और उसी सॉइल से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर जा करके आपको जो भी है मैग्नीशियम को, मैग्नीज को, ये जितने भी उसके एसेंशियल एलिमेंट हो सारे एसेंशियल एलिमेंट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्प्शन जो होती है, यानी यहाँ पर ये देखिए ये सब सॉल्यूट है और ये वाटर है बेटा, ये H2O हुआ और ये सॉल्यूट हुआ, तो इनका एब्जॉर्प्शन करेगा कहाँ पर, इनका एब्जॉर्प्शन करेगा प्लांट रूट हेयर से और कहाँ जाएगा, लीफ तक चला जाएगा। जब यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन होगा तो इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है और कैसे प्लांट के थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारा चीज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, यानी ये यहाँ से ये जो पार्ट है वह एब्जॉर्ब होकर के ये ट्रांसपोर्ट होकर के ये जाएगा लीफ में। तो ये सारा चीज, ये जो भी मटेरियल है ये सारा चीज लीफ में पहुंचा। तो कौन से यानी मिनरल्स का, ये सब जो मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स का क्या रोल है ये सारा चीज हम लोग देख लिए। मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर का यहाँ पर बन करके आया, ये वाटर और
वीनस लीक में पहुंचेंगे तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब बेटा कि जो H2O है प्लस CO2 को ले करके ये क्या बना देगा, C6H12O6, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये खाना इस लीक में बना तो ये सारा काम किसमें हुआ, ये सारा काम हुआ फोटोसिंथेसिस में। तो ये सारा चीज जो हम लोग देखेंगे कि कैसे आके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ये सारा डील करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। अब यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो इस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन प्लांट के हर एक सेल में होगा। क्या होगा? प्लांट के हर एक सेल में होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ बना है लीफ में, इस कार्बोहाइड्रेट का भी ट्रांसपोर्टेशन लीफ से रूट तक होता है, तो वो भी चीज इसी में देखना है। मिनरल का देख लिया हम लोगों ने, मिनरल इक्वेशन में ट्रांसपोर्ट होना है किसका, वाटर का, सॉल्यूट का और बना बनाया फूड का यानी कार्बोहाइड्रेट का। तो वाटर के, सॉल्यूट के एंड कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट देखेंगे इस लेसन में। अब ये जब ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे फूड बनता है, इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखना है। और ये फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट बन गया तो इसका ब्रेकडाउन होना होता है, यानी जैसे हम खाना खा करके कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हमारा बॉडी का हर एक से ब्रेक डाउन करता है उसे एनर्जी लेने के लिए। तो यहाँ पर जब ब्रेक डाउन करता है तो इसी प्रोसेस को, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको ब्रेक डाउन करके ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूविक एसिड में। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम लोगों को देखना है रिस्पायरेशन इन प्लांट में। अब प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत सारे हार्मोन का रोल इम्पोर्टेंट होता है, तो ग्रोथ कैसे हो रहा है प्लांट का इस हार्मोन की वजह से, तो ये सारा चीज हम लोगों को देखना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये पांच सेशन का मिल गया आपको, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये पांच सेशन में हम लोग को ये सारी सारी सारा चीज देखना है। ओके, अब चलिए। तो आपने यहाँ पर अभी जो हेडिंग दिया है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, प्लांट है हमारे बॉडी में जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो खाना का क्या होता है, सुबह खाना खा के आया होगा तो क्या होगा उस खाने का, डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट होते हैं सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाए जाते हैं, तो वो पहुंचता कैसे है हमारे बॉडी के हर एक सेल में, हमारे बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड है जिसमें सेरम, प्लाज्मा या फिर लीम या फिर ब्लड ये सारे आते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी फ्लूइड है। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता, प्लांट डू नॉट हैव एनी इंटरस्टीशियल फ्लूइड। और दूसरा कि जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हार्ट जो है वो हर एक चीज को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए पंपिंग करता है, यानी प्रेशर से ब्लड निकलेंगे तो सभी बॉडी के पार्ट में क्या होंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट में नहीं है और ना ही प्लांट में इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, लेकिन फिर भी प्लांट जो है हमारे बॉडी के जैसा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हार्मोन का, यानी सारे चीजों का वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कैसे करता है, तो प्लांट कहते हैं कि प्लांट डू नॉट हैव क्या नहीं है प्लांट के पास, बॉडी फ्लूइड, इंटरस्टीशियल बॉडी फ्लूइड एंड
ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो प्लांट के पास ये चीज नहीं है। क्या क्या नहीं है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी जो बॉडी फ्लूइड हम लोग कहते हैं कि हमारे बॉडी में है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब समझिए आपके बॉडी का ब्लड, लीम, ये जितना भी चीज है, यानी जब दांत को काटेंगे तो उसमें से जो भी लिक्विड निकलेगा वो सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो बॉडी के किसी भी पार्ट के कटने से जो फ्लूइड बाहर आता है, यानी बॉडी के अंदर में जो भी फ्लूइड पार्ट है वो सब इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो प्लांट के पास ऐसा इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होता, और ना ही प्लांट के अंदर कोई हार्ट है या ब्लड है। ठीक है, तो प्लांट के पास वेल मेंटेन सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, यानी कि ब्रैकेट में कर सकते हैं ब्लड एंड हार्ट डू नॉट है। क्या क्या नहीं है? तो ब्लड एंड हार्ट नहीं है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं है। तो फिर भी प्लांट क्या करता है? लेकिन प्लांट फिर भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है भाई? ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस सच एज और वेरियस सब्सटेंस जैसे सच एज की अगर बात करें तो वो क्या क्या करता है? तो बहुत सारी चीजों का करता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉइल से, यानी रूट से लेके कहां तक जा रहा है? लीफ तक जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो रोकेगा ना। किसी किसी प्लांट का 100 मीटर का क्या है? लेंथ है, लंबाई है। जिम्नस फॉर्म बहुत सारा पढ़ाया आपको प्लांट जैसे में, ये जिम्नस फॉर्म के प्लांट में किसी प्लांट का 10 ही मीटर की लंबाई क्यों ना हो? 10 मीटर के लंबे प्लांट में ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जा कर के ट्रांसपोर्ट यानी नीचे से पानी को ऊपर तक लेके जाना कोई आसान बात है? नहीं। लेकिन फिर भी प्लांट ऐसा करता है। तो वो देखेंगे रीजन की क्यों ऐसा होता है वो अलग बात है, लेकिन पहले जो ट्रांसपोर्ट करता है कौन से सब्सटेंस का, जैसे वाटर का करता है, या फिर प्लांट में खाना कहाँ बनता है, फूड कहाँ बनता है? लीफ में। खाना लीफ में बनता है और वो ट्रांसपोर्ट होकर के आता है रूट तक, क्योंकि रूट क्या है? सॉइल के अंदर में, वहां खाना नहीं बन सकता, फूड नहीं बन सकता है। तो नीचे से ऊपर लेके जाना या ऊपर से नीचे लेके आना, ये जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट में परफॉर्म होता है। तो जैसे वाटर का देखो ट्रांसपोर्टेशन, तो प्लांट वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? प्लांट ठीक है, और उसी तरह किस चीज का होगा? फूड का। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दीजिए आप सीधा? ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में फूड का। तो फूड का किसके थ्रू होगा ट्रांसपोर्टेशन? यस, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बेटा? कहां से कहां? फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना? तो फ्रॉम रूट से कहां तक? टू लीफ। और जबकि इसका कहां से कहां तक होता है? फ्रॉम लीफ टू टिप ऑफ रूट। तो जो खाना बना है लीफ में उसे रूट तक पहुंचाना है, और जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है रूट में उसे लीफ तक पहुंचाना है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम और इसका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम। एक का जाइलम की मदद से और दूसरा फ्लोएम की मदद से होता है। अब प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो दो तरह से होते हैं।
एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लिखेंगे पहले क्या हो गया,
और
का मतलब जब नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। यानी यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा कि फ्रॉम ये लोअर कंसंट्रेशन है और इस लोअर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज का हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होना है। ये लोअर कंसंट्रेशन एरो नीचे दिखाने का मतलब एक सिंबल इस तरह से मान लेते हैं कि लोअर है, ऊपर दिखाने का मतलब ज्यादा है। तो समझने के लिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन। तो लोअर ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन और ये हो गया हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर जाना है, तो समझो कि नीचे से चढ़ के ऊपर पहाड़ पे जाना है। तो ये क्या हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या खर्च करना पड़ता है, लॉस ऑफ एटीपी का खर्च करना पड़ेगा। देख लो आप सिंपल समझ लो, नीचे से ऊपर जाने में जब ज्यादा चलते हैं तो हम पूरा लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, तुरंत थक जाते हैं, कैसे लगते हैं, क्यों एनर्जी ज्यादा खर्च हो गया। तो ये होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अब है बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी बल्क क्वांटिटी में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना। ट्रांसपोर्ट में बल्क क्वांटिटी, ट्रांसपोर्ट में बल्क क्वांटिटी। अब देखो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को दो चीजें देखना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह से, पहले तो हम यहां समझने की पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, और अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के, एक होता है बेटा डिफ्यूजर और दूसरा है ऑस्मोसिस। अब ये जो डिफ्यूजन है वह दो तरह के हैं, कौन कौन से डिफ्यूजन होते हैं कुछ बता सकते हैं, बहुत आराम किए हुए है ना, पूरा आराम किए हैं, मस्त दिन भर खाना खाया है, मस्त टीवी देखा है और ये टेंशन भी नहीं लिया कि पढ़ाई भी करना है। ऐसा कैसे काम चलेगा और कब तक चलेगा। डिफ्यूजन दो तरह से, एक होता है ऑस्मोसिस का होता है और डिफ्यूजन, कितने पहले डिफ्यूजन होते ही कितने कलर के, ये भी बात है। कौन कौन एंडो और एक जो वो ऑस्मोसिस का एंडो और एक जो ना, और डिफ्यूजन ही दो तरह के हैं, एक डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो एक हो गया सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसी तरह ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी दो तरह से है, एक ऑस्मोसिस हेटरोऑस्मोसिस है एंडोऑस्मोसिस। तो चाहे कोई भी हो, एक जो हो इंडो हो फैसिलिटेट हो या सिंपल डिफ्यूजन, ये सभी में एक चीज कॉमन है, ये हायर से लोअर की ओर जाते हैं और इसमें कोई एनर्जी की खर्च नहीं होती। अब इन्हीं सबको हम लोग वन बाय वन करके देखें। तो पहले तो
या
CO2 और O2 का एक्सचेंज होना, लंग से ब्लड में जाता है ना भाई, हमारे लंग्स में O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और जो ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचता है उसमें O2 का कंसंट्रेशन कम होता है, तो डिफ्यूजन हो जाता है वहां। लंग्स में से O2 जाता है ब्लड में और ब्लड में CO2 ज्यादा होता है तो वो चला जाता है लंग्स, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आता है, तो एक डिफ्यूजन हमारे यहाँ पैदा होगा देखने को। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2, ठीक है, इन सेल। डिफ्यूजन के लिए इंडिपेंडेंट होता है दूसरे सब्सटेंस के डिफ्यूजन के डायरेक्शन।
ये बात क्लियर है, अगर डिपेंड करता तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली आधार ना नहीं करते। मान लो शुगर का ट्रांसपोर्ट वाटर पे डिपेंड करता तो मिठास दोनों की बराबर नहीं होती। यहाँ ऑपोजिट काम हो रहा है, एक तरफ वाटर जा रहा है दूसरी तरफ शुगर जा रहा है। अब इस यही वजह है कि थोड़ी देर के बाद दोनों टैंक का सरफेस जो है वो इक्वल मिठा लगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बस दो सेकंड के लिए छोड़ा और दोनों ही छोड़ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो कहता है कि जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन होता है वो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो क्या डिफ्यूजन का रेट भी जो है वो किसी चीज पे डिपेंड करता है? हाँ डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में डिफ्यूजन के रेट के लिए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कम बढ़ेगा कम घटेगा? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में सबसे सुटेबल एग्जाम्पल देखो, आपने ठंडी के टाइम पे लगाया वो ओडोनिल पूरा एक महीना चला। मम्मी क्या बोलेगी? ये कंपनी वाला तो चोर हो गया, देखो ना छोटा करके ओडोनिल को 20 दिन में खत्म। ना गलती कंपनी की है ना हमी की है, गलती उस टेम्परेचर की। गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा था इसलिए ओडोनिल का डिफ्यूजन ज्यादा हुआ। तो ओडोनिल का स्मेल आता है जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी खुशबू आती है। आजकल घर रूम से ज्यादा अच्छी खुशबू बाथरूम में आती है, तो रूम का ओडोनिल नहीं होता बाथरूम में टंगा होता है। देखने में भी इंसान और सबसे ज्यादा सोचने का काम करता है। तो कभी भी बैठो तो आराम से सोचो, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। तो अब देखो वहां पर क्यों ओडोनिल की खुशबू पूरे बाथरूम में आ रही है, इसका मतलब वो जो सॉलिड सब्सटेंस था वो डिफ्यूज होकर के एयर में मिल हुआ और वो एयर चारों तरफ जैसे जैसे फैला, यानी हायर से क्या हो रहा है लोअर की ओर जा रहा है, तो चारों तरफ डिफ्यूज। एक वर्ड होता है डिफ्यूज, ठीक है, ये जो डिफ्यूजन जो वर्ड है एक वर्ड होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है विलीन होना, क्या होना विलीन। तो डिफ्यूजन मतलब विलीन हुआ, तो विलीन हुआ का मतलब कि जो उसका एग्जिस्टेंस था वहां से निकल के हायर से कहां गया लोअर की ओर गया। यहां पर एक रूम फ्रेशनर को मैं यहां से पालूंगा दो बार खुशबू करूंगा और पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। ऐसा क्यों भाई? तो जब यहाँ पे मारा वो हायर तंत्र के चांद चारों कोने पे तक पहुंचा, यानी एयर में डिफ्यूज होने चला गया, हायर से लोअर हायर से लोअर। जो यहाँ पर हायर था उसके आगे वाला स्पेस क्या हुआ लोअर हुआ, तो यहाँ से डिफ्यूज होकर वहां वहां से तो चारों तरफ बस फैल जाएगा। इवन अगर गेट और विंडो ओपन कर देंगे तो उससे बाहर भी निकलेगा और डिफ्यूज होते होते लास्ट में वह विलीन हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो यही होता है डिफ्यूजन। अब बात समझ में आई? तो चलिए अब एक टर्म है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या है? डिफ्यूजन का प्रेशर जो यहाँ पर लिखे थे हम लोग वहां पर लिखे हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में एक पहले ऐसे दिखा दीजिए, पार्टिकल या डिफ्यूजन प्रेशर।
तीनों चीज हाई है, कंसंट्रेशन भी क्या है हाई है, फ्री एनर्जी भी हाई है और डिफ्यूजन प्रेशर भी हाई है, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ पर कंसंट्रेशन, और ये तीनों का क्या होना हाई होना, हाई अर्थ के लिए हम एरो को ऊपर की तरफ इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पर लिख दिया हाई। तो ये हायर से इधर की ओर जाना है इसको बेटा लोअर की ओर, यानी इधर कम है, यहां पर लिखा मैंने लोअर कंसंट्रेशन फ्री एनर्जी एंड प्रेशर। और ये क्या है पार्टिकल, हायर से लोअर की ओर आता है, बिना एनर्जी का कोई काम नहीं होता।
तो आखिर कोई ना कोई तो एनर्जी वहां पर काम कर रहा होगा, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी काम को करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्री पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं जो इसको हायर से लोअर की ओर ले जाते हैं, और ऐसा हर पार्टिकल चाहता है कि पहले मैं हायर से लोअर की ओर चला जाऊँ। मान लो यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाए, गैदरिंग हो जाए बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत होगी, अगर सुनते हो कहीं पर मंगल हो गई, कोई मंदिर का मंगल हो गया, ठीक है, या कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा भीड़ था, कोई समारोह था, कोई नेता का ये चल रहा था, वहाँ पर मंगल हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? मान लो कि कोई रेलवे स्टेशन से मंगल हो जाए, कोई झूठा जाके अफवाह फैला दे बम है, कोई उठना चाहेगा वहाँ? हर कोई क्या चाहता है भाई, पहले मैं निकल जाऊँ। कहीं मूवी देखने गए और सिनेमा हॉल में कहीं गलती से कोई पता चल गया कि इसमें बम, जो एग्जिट गेट होती है वहां पे ऐसी भीड़ होगी, तो हर कोई चाहता है पहले मैं निकलूं। तो हर कोई जो चाहता है पहले मैं निकलूं, तो उस गेट पे वहां पर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना। उसी तरह यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए होता है, ये जो हायर, ये जो पार्टिकल है या हायर एनर्जी वाले हैं, या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो इसके सभी पार्टिकल चाहते हैं कि पहले हायर से लोअर की ओर पहले मैं जाऊँ। तो इनके डिफ्यूजन करने की टेंडेंसी के वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है फॉर द डिफ्यूजन। उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन करने के लिए जो प्रेशर एग्जर्ट होता है या क्रिएट होता है या जो बनता है, यानी हर पार्टिकल चाहता है कि पहले मैं डिफ्यूज करूं, तो इस टेंडेंसी के वजह से जो प्रेशर बनता है उसी प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन प्रेशर। और कभी भी डिफ्यूजन क्यों होता है भाई, तो फ्री पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है, क्योंकि हर पार्टिकल के पास अपना फ्री पोटेंशियल एनर्जी है, और उसी एनर्जी की वजह से वो हायर से लोअर की ओर जाना चाहता है। तो हर चीज इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहता है। हमारे बॉडी के अंदर वेरियस बायोमोलेक्यूल में मैंने आपको बताया कि क्यों हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं। और हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट रात दिन यही एफर्ट लगाता है कि कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन ना हो। जिस दिन इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हुआ मतलब हम ऊपर चलती, मतलब मान लो कि सारा चीज इक्विलिब्रियम, तो बॉडी के अंदर का हमारा सारा का सारा चीज रात दिन यही एफर्ट लगाता है कि कोई चीज इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो। अब हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन ये एफर्ट लगाता है कि जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाए, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए वो रिएक्शन करता है, और बॉडी का बाकी पार्ट हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन ना हो। तो जब तक मेंटेन नहीं होगा रिएक्शन चलता रहेगा, जब तक रिएक्शन चलता रहेगा यानी हम ये सब चीज कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए एफर्ट लगाते रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होती है, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, लिखेंगे
सिंपल वे में अगर कहना है तो आप ये कर सकते हैं कि ए प्रेशर एग्जॉर्टेड ऑन द डिफ्यूजन सिस्टम कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। लेकिन आपको एकदम एक स्पॉट से यानी हर एक पार्टिकल पहले डिफ्यूज करना चाहता है, जिसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट होती है उस डिफ्यूजन सिस्टम पे। अब ये डिफ्यूजन सिस्टम क्या है, तो जैसे अभी यहाँ पर बना के देखा है कि दो पानी के टैंक हैं, ये टैंक ए और टैंक बी, कहाँ डिफ्यूजन होगा, टैंक ए से टैंक बी की ओर। तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हुआ, यहीं पर डिफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये डिफ्यूजन सिस्टम हुआ। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा फ्रॉम द डिफ्यूजन उसी को कहेंगे हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर। बस ये बात समझ में। अब लिखेंगे कि डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख दिया उसमें दे दी गई ऐसे, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें, तो गैस में, गैस से कम किसमें होती है, लिक्विड में। लिक्विड से भी कम किसमें होती है, सॉलिड। या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं सॉलिड, और सॉलिड से ज्यादा दिखा दीजिए किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड से भी ज्यादा गैस। कैसे भी आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर ये सबसे ज्यादा गैस, गैस के बाद लिक्विड, और लिक्विड के बाद गैस में। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि जैसे कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, CO2 का हो, या ऑक्सीजन हो, ठीक है, या LPG, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी गलती से LPG का टैंक थोड़ा खुला रह जाता है तो पूरे घर में बहुत तेजी से फैलता है ना। दूसरा परफ्यूम, और तीसरा सॉलिड के रूप में ओडोरिन ले लीजिए आप, पेट्रोल, केरोसिन की खुशबू जो है वो यहाँ पे खोला, अगर किसी बोतल में हम खोल देंगे तो लगभग उस एरिया के आसपास एरिया में तुरंत आने लगता है, और गैस का खुशबू बहुत जल्दी फैलेगा, और ओडोरिन थोड़ा धीरे धीरे डिफ्यूज करेगा। तो कोई भी सॉलिड सबसे कम, लिक्विड उससे ज़्यादा, और गैस सबसे ज़्यादा डिफ्यूज करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, तो गैस, तो गैस में CO2, O2 का, लिक्विड में पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, परफ्यूम हो गया, और सॉलिड में एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने, तो इसका कभी भी डिफ्यूजन स्लो होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर लिए हम लोग, अब डिफ्यूजन जो है किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे नहीं डिपेंड करता है, हम कुछ बातें लिख दीजिए इसी में पॉइंट देकर के आगे मैं डिटेक्ट करता हूँ। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन, the rate of diffusion is depends on number of particle, depends on number of particle per volume, number of particle per volume comma density of particle, density of particle comma temperature comma pressure। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, यहाँ पर पार्टिकल का नंबर बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, समझ में आई बात। दूसरा चीज, प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर कभी भी बढ़ाएंगे तो ज्यादा होगा। जैसे ये दो टैंक है और पानी को इधर से इधर जाना है, ठीक है, तो अब इस टैंक के ऊपर में कोई ऐसा चीज ले लो
कोई रबर का प्लेट लगा दो और उसको दबाओ ऊपर से, तो क्या होगा? पानी तेजी से निकल जाएगा कि फ्लो होगा? तेजी से जाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया। समझे बात को? कोई एयर टाइट रबर का मान लो कोई प्लेट लगा देते हैं इसके ऊपर, ये इस तरह से, ये एयर टाइट यानी इस तरह से प्लेट लगा दिया और इस प्लेट को दबाएंगे ऊपर से, तो दबाया तो आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया, तो पानी तेजी से भागेगा। तो प्रेशर को बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, घटेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में यही बात आ रही, इधर भी लगाएंगे तो भागेगा, इधर पानी अगर कम है और ला इधर आप बढ़ा लो तो इधर नहीं भागेगा, तो इधर पानी क्या है, ज्यादा। तो ये चीज है, प्रेशर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने से बढ़ता है डिफ्यूजन। दूसरा चीज है टेम्परेचर का रोल, टेम्परेचर का रोल अभी आपको ओडोनिल में बताया मैंने, क्या वजह है कि ठंडी के टाइम पे मान लो कोई सब्जी मंडी है जहाँ पे सब्जी वगैरह या फ्रूट वगैरह बिकते हैं, या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे कचरा रखा होता है, ठंडी के टाइम पे खूब मस्ती से उस एरिया में पास जाते हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो नाक पे रुमाल रखना पड़ता है। ऐसा क्यों भाई? एरिया तो वही है, हमें नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि उस सब्जी वाली एरिया में जहाँ पे सब्जी बिकती है, तो सब्जी बेचने वाला बचा हुआ जितना भी सब्जी का पार्ट क्या करता है, ध्यान रख देता है, और गलती से दो दिन तक का खाने का नहीं आया तो वो बदबू मारने लगता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया, ठंडी में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, टेम्परेचर कम, तो डिफ्यूजन कम, टेम्परेचर बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ गया, तो बदबू जल्दी आने लगती है गर्मी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में गर्मी बदबू कम आती है। अब समझ गए, ये बदबू का आना या खुशबू का आना ये क्या है, ये डिफ्यूजन है। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन पार्टिकल, direction of diffusion of one particle is independent, the direction of diffusion of one particle is independent to direction of diffusion of another particle, is independent to direction of diffusion of another particle, okay? Now we take it. अब कहता है कि डिफ्यूजन कब तक होगा, बताओ कब तक डिफ्यूजन होता रहेगा, यानी हायर से लोअर की ओर कब तक होता रहेगा, जब तक नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन अकर्स टिल इक्विलिब्रियम, लिख दीजिए इसको, नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन अकर्स टिल इक्विलिब्रियम। तो डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक दोनों सिस्टम में इक्विलिब्रियम है ना, डिफ्यूजन अकर्स टिल इक्विलिब्रियम। अब ये हो गया, अब लिखेंगे डिफ्यूजन इज ए फिजिकल प्रोसेस, डिफ्यूजन इज ए फिजिकल प्रोसेस, डिफ्यूजन इज ए फिजिकल प्रोसेस, it does not depend on biological system, it does not depend on biological system, it does not depend on biological system, it does not depend on biological system. ho gaya ye baat, to ab ye baat ek diffusion ki ho, ab heading ke liye facilitate diffusion,
प्रोटीन है ना, इंटेग्रल प्रोटीन। अब इसी चीज को यहाँ पर हम लोग समझने का काम करते हैं थोड़ा सा। वो सभी में
फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं, और इन दोनों का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होता है। इसका परसेंट 1 से 2 या कहीं कहीं किसी फूड में 1 से 5% देगा, और इनका परसेंटेज सेल टू सेल वैरी करता है। जनरली कहता है कि यह 48% तक, ये सॉरी फॉस्फोलिपिड नहीं, ये जो है वो 42% तक और ये 48% तक बचा पाटे सेल्स में 1 से 2% तक ये होता है। अब ये तो हो गई बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अब इसका डिफ्यूजन पे हो गया। ऐसे फॉस्फोलिपिड के आप नेचर को जानते हैं, वो एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। कैसा? एम्फीपैथिक इन नेचर, यानी कहने का मतलब ये जो इस तरह से हम लोग फॉस्फोलिपिड के पार्ट को देखते हैं, तो ये वाला पार्ट जो होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा? और ये वाला पार्ट वह हाइड्रोफोबिक होता है, और इसी नेचर के वजह से हम लोग इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक इन नेचर। यानी आधा पार्ट वाटर सोल्युबल है और आधा पार्ट वाटर इनसोल्युबल, तो इसको बोलते हैं पोलर हेड और इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। पोलर एक वाटर जो है पोलर कंपाउंड है, तो पोलर कंपाउंड के साथ पोलर कंपाउंड ही मिक्स हो सकता है, और ये नॉन पोलर पार्ट है तो उसके साथ नॉन पोलर कंपाउंड ही मिक्स हो सकता है। अब देखो कि ऐसे जो वाटर सोल्युबल कंपोनेंट, ठीक है, वो लिपिड बाई लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन जो फैट सोल्युबल कंपोनेंट है जैसे CO2O2 या दूसरा कंपाउंड, जो फैट बाई लेयर यानी लिपिड बाई लेयर को क्रॉस कर सकते हैं, वो आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं हायर से लोअर। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो वाटर सोल्युबल है वो लिपिड बाई लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्रॉस कराने के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो अलग अलग रूप में काम करता है। तो कभी इसी को परमिएट बोलते थे हम लोग, नाम याद आ रहा है। इसमें से कुछ प्रोटीन का नाम परमिएट एंजाइम की तरह होते हैं, यानी जो परमिशन देता है कि हाँ तुम एंट्री करो या बाहर करो, जैसे ग्लूकोज की एंट्री कराने के लिए यह प्रोटीन जो है वो परमिएट एंजाइम कहलाया जाएगा, या किसी ऐसे दूसरे कंपाउंड को जो लिपिड बाय लेयर से क्रॉस करके नहीं जा सकता है, तो उसी में से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या कोई भी दूसरे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन जो होंगे वो एज ए आयन चैनल के रूप में काम करेंगे, या कुछ जो है वो परमिएज के रूप में काम करेंगे, कुछ जो है वह एक्वाफोरिन के रूप में काम करेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए क्या करेगा? प्रोटीन का मदद लेगा। तो जो प्रोटीन वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है उसी को कहते हैं एक्वाफोरिन। समझ में आई बात? एक्वाफोरिन का मतलब हर जगह क्या हो जाता है? वाटर। तो एक्वाफोरिन का मतलब जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराए। कुछ ऐसे ये जो, अच्छा ये कौन सा प्रोटीन है? इंटेग्रल प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से? पेरिफेरल एंड इंटेग्रल प्रोटीन। इसी का दूसरा नाम हो जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंटेग्रल प्रोटीन का ही नाम है इंट्रिंसिक, आई एन से एंट्री करने वाला और ई एच से एग्जिट होने वाला, यानी जो बाहर की तरफ होगा उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो वो छोड़िए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट थोड़ा पढ़िए इस चीज को, अब नहीं तो कब पढ़ेंगे? समझ में आई बात? और कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो दूसरे सॉल्यूट को परमिशन देंगे कि हाँ तुम सेल के अंदर जाओ, तो उसी वैसे का नाम पड़ जाएगा परमिएज। प्रोटीन वही है, इंटेग्रल प्रोटीन ही है, और इस इंटेग्रल प्रोटीन का रोल इतना ज्यादा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े होंगे तो वहां पर आया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब रिस्पायरेशन का टॉपिक चलेगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा, समझे? उसी तरह देखो कि जब यही फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो बहुत सारे कंपाउंड का प्लास्टिक के अंदर जाना और प्लास्टिक के बाहर आना,
वो सारा काम भी ये प्रोटीन ही कराता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी ऐसे है, ये प्रोटीन ही कराते हैं। तो ये इंटेग्रल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से अलग अलग वर्क कराता है। तो जो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो सेल के बाइलेयर स्ट्रक्चर से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाइलेयर स्ट्रक्चर से इंट्री नहीं कर सकते हैं, वही इंटेग्रल प्रोटीन के पार से सेल के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर आएंगे, और उन्हीं का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाता है। तो कहीं पर उसको परमेज, कहीं पर कैरियर प्रोटीन, कहीं पर चैनल प्रोटीन। अब समझ में आई बात कुछ, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मुझे फटाफट बता दो, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है? बात है, यहाँ मैं आंखों से दिख रहा है, चाहे फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, दोनों में प्रोटीन का ही यूज हो रहा है। प्रोटीन के थ्रू ही हो रहा है ना भाई, बस इसमें हायर से लोअर होता है, इसलिए एटीपी का खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोअर से हायर होता है। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने दिखाया था, इसलिए यहाँ पर क्या खर्च दिखा दिए, एटीपी का खर्च दिखा दिए। दोनों सेम है, दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन से ही होते हैं, बस एक में एटीपी का खर्च नहीं होता है, दूसरे में एटीपी का खर्च होता है। ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट, थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट, और बाकी बचा कुछ बायोलॉजी का पार्ट। थोड़ा दिमाग अपना खोल के रिवीजन करके, खाना पीना खा के, सुबह जो खाना खा के आते हैं, ब्रेक तो नहीं मिलता है आपको, इतना दबा के खा लो कि शाम के 6 बजे तक 5 बजे तक कुछ चीज की जरूरत ना हो। मान लें किसी का डाइट है 2 रोटी है, वो कितना दबा के खाए, है ना? खाना खाती है बेटा, खाना खाया कर, जरूरी है, खाना खाया कर, जरूरी। तो ये बाकी बची हुई इसके पार्ट को थोड़ा पढ़ के आइए, थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़िए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को पढ़ के आइए, और इसमें ऑस्मोसिस ये बाकी सारा पार्ट को आपको कवर कराएंगे, ओके? और रिप्लाई दीजिए, ऐसे टुकुर टुकुर देखते हो जैसे लगता है कि किसी आदिवासी के बस्ती में आ गए हैं, ना वो हमारा भाषा समझ पा रहे हैं, ना हम उसका भाषा समझ पा रहे हैं। और सभी बच्चों को बोलते हैं आई एम नॉट ए कार्निवोरस एनिमल, ठीक है, डरने का नहीं, ना आराम से समझिए समझाइए।